हेलो एवरीवन। सो आज का डे 18 का क्विज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और डे 18 के क्विज से पहले हम बता दें आपको कि डे 17 के क्विज के अंदर हमने इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को अटेंड किया था। सो आज के इस क्विज के अंदर भी हम इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके क्विज को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HRM। और अगर आपको UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट HR का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है तो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्विज को बिगिन करते हैं। अगर आपको ये क्विजेस टेलीग्राम पे भी अटेंड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक करके क्विज को बिगिन करते हैं। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपको हमारी वेबसाइट कैसे विजिट करनी है, हमारी क्विजेस सेक्शन में कैसे जाना है, सो हम डायरेक्टली क्विजेस सेक्शन में जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप डे 18 का क्विज देख पा रहे हैं। सो इसको अगर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप इसे बिगिन करेंगे, तो बिगिन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, सॉफ्ट लोन्स टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज प्रोवाइडेड बाय। सो बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो सॉफ्ट लोन्स हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कौन प्रोवाइड करता है। सो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सॉफ्ट लोन्स होते क्या हैं। सो सॉफ्ट लोन्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई भी लोन प्रोवाइड किया जाता है विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उस पर लगाया जा भी रहा है तो वो बहुत ही कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली उस टाइप के लोन्स को सॉफ्ट लोन्स कहा जाता है, जिसके अंदर आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बेसिकली काफ़ी लो होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। सो बेसिकली जो सॉफ्ट लोन्स हैं ये कौन प्रोवाइड करता है, सो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर से एक एजेंसी है वो प्रोवाइड करती है। अब देखिए अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, सो वर्ल्ड बैंक के अंदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसके अंदर 5 एजेंसीज आती हैं और वो 5 एजेंसीज के नाम हैं। सो देखिए बेसिकली अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं आपके, IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID। अब देखिए अगर हम IBRD की बात करें तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर हम IDA की बात करें तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अगर हम IFC की बात करें तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA को बोला जाता है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID को बोला जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सो बेसिकली ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड बैंक के पार्ट के। अब ये सारे जो आते हैं ये आपके आते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG भी बोला जाता है जिसको। अब देखिए इसके अंदर जो IBRD और IDA है आपका, इनको वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी इनको बोल दिया जाता है इंटरचेंज करके, बट बेसिकली ये जो दोनों हैं ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के पार्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सॉफ्ट लोन्स कौन प्रोवाइड करता है इसके अंदर से। सो देखिए इसके अंदर जो आपका IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये बेसिकली सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है आपको, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। देखिए सॉफ्ट लोन्स होते क्या हैं, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है वो बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता है, बट अगर हम IMF की बात करें सो वो बेसिकली कोई भी कंट्री अगर BOP क्राइसिस फेस कर रही है सो उसको ओवरकम करने के लिए जो IMF है वो हेल्प करता है। अब यहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है ये सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, सो दैट वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, सो दैट अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा सो वो अपने बाकी रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर यहाँ हम ऑप्शंस देखें तो आपके पास ऑप्शंस है IBRD, IDA, ADB एंड IMF। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर B, IDA। अब देखिए अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें सो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही फंड प्रोवाइड करता है, बट ये बेसिकली एशियन पैसिफिक रीजन को टारगेट करता है ना कि होल ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट है इसका जो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर अभी 68 मेंबर्स हैं और वर्ल्ड बैंक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली सारी कंट्रीज कवर हो जाती हैं। नाउ अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें सो अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उन्हीं को फंड प्रोवाइड करता है जो बेसिकली BOP क्राइसिस फेस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मर्केंटलिज्म वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज हैं मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज, हेक्सलर रॉलिन थ्योरी। सो बेसिकली मर्केंटलिज्म बेसिकली सबसे पहली थ्योरी जो इंटरनेशनल ट्रेड की दी गई थी, सबसे पहली थ्योरी है मर्केंटलिज्म।
सो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया ये कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। सो आपके पास ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म, रीजनलिज्म एंड ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनलिज्म। सो मर्केंटलिज्म थ्योरी ये बोलती है कि अगर हम आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री के अंदर आएगी और उतनी ज़्यादा आपके पास गोल्ड होगा। सो कंट्री जितना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व करेंगी उतना ज़्यादा कंट्री के लिए अच्छा है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन कहता है कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा इंपोर्ट भी करिए, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड बायलेटरल हो ना कि यूनिलेटरल। बेसिकली यहाँ पे अगर हम मर्केंटलिज्म की बात करें तो यहाँ यूनिलेटरल ट्रेड की बात की गई है ना कि बायलेटरल ट्रेड की। सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। अगर हम रीजनलिज्म की बात करें तो बेसिकली एक रीजन की बात की जाती है यहाँ पे ना कि किसी स्पेसिफिक कंट्री की, दैट इज़ अगर आपका एशियन पैसिफिक रीजन हो गया, साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो गया, नॉर्थ अमेरिकन रीजन हो गया, साउथ अमेरिकन रीजन हो गया। सो यहाँ पे मर्केंटलिज्म थ्योरी इस पे बेस्ड नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। अ रिजर्व करेंसी कंट्री इज वन। अब बेसिकली यहाँ पे आपका रिजर्व करेंसी कंट्री पूछा गया है। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो रिजर्व करेंसी कंट्री होती है उस कंट्री की करेंसी को सारी कंट्री जो है वो रिजर्व करेंसी की तरह रखती हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो भी आपका फॉरेन ट्रेड होता है यहाँ के अंदर जो उस कंट्री की करेंसी होती है वो वाइडली एक्सेप्टेड होती है। आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं यूएस डॉलर का। अब यूएस डॉलर जो है वो बेसिकली रिजर्व करेंसी है बिकॉज यहाँ पे कई सारी कंट्रीज ने यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ है। सो दैट अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं सो उसके अंदर जो आप भी उसके अंदर जो भी आपको पेमेंट करनी है वो आप यूएस डॉलर के अंदर कर पाएँ। यूएस डॉलर वाइडली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो आपकी करेंसी है यूएस डॉलर, सो ये एक रिजर्व करेंसी है। देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विच कीप्स अ लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज। सो बेसिकली एक रिजर्व करेंसी कंट्री क्या होती है कि जो बहुत सारा फॉरेन करेंसीज को रिजर्व करके रखती है। बट ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर हम यूएस की बात करें सो यूएस की जो करेंसी है वो एक रिजर्व करेंसी है, बट यहाँ पे यूएस बहुत सारी कंट्रीज के जो करेंसीज को रिजर्व करके नहीं रखता है। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज इनकरेक्ट। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें सो यहाँ पे बोला गया है विच कीप्स सेवरल रिजर्व फॉर डिफरेंट फॉरेन करेंसी। तो बहुत सारे फॉरेन करेंसीज के सेवरल रिजर्व्स रखती है। सो ऐसा भी नहीं है। देखिए हम आप इस क्वेश्चन को यूएस के प्रोस्पेक्टिव से समझिए। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें हुज रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली एंड नॉट द गोल्ड बिलियन। सो बेसिकली यहाँ पे गोल्ड बिलियन होता है, बेसिकली जो आपकी गोल्ड होती है, सिल्वर होता है और जो भी प्रीसियस मेटल्स होते हैं इनको भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। बट यहाँ पे आपकी रिजर्व करेंसी की बात की गई है और रिजर्व करेंसी होती है आप जो भी आपका प्रिंटेड होता है, जो भी आपके कॉइन्स नोट्स होते हैं जो भी मिंट करके प्रिंट करके बनाए जाते हैं उनकी बात की गई है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं वोज करेंसी इज हेल्ड बाई अदर नेशंस एज इंटरनेशनल रिजर्व्स। देखिए यहाँ बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका। जिस करेंसी को बहुत सारी कंट्रीज एज ए इंटरनेशनल रिजर्व रखती हैं उसको रिजर्व करेंसी बोला जाता है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं लाइबोर इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर इन द इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाइबोर। सो बेसिकली जो आपका लाइबोर है यहाँ पे एक इंटरबैंक मार्केट है। बेसिकली एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करता है इसको लाइबोर रेट बोला जाता है। सो यहाँ पे आपसे लाइबोर की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लोवेस्ट इंटरबैंक ऑफर रेट, लैंडिंग इंटरबैंक ऑफर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट और लिबरलाइज इंटरबैंक ऑफर रेट। सो देखिए यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन देखें सो इसको बोला जाता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। सो आपका ऑप्शन है दैट इज सी। देखिए लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट बेसिकली यहाँ पे लाइबोर को बोला जाता है। सो लाइबोर बेसिकली यहाँ पे इंटरबैंक मार्केट के अंदर जिस रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक को लोन्स प्रोवाइड करते हैं उस रेट को लाइबोर बोला जाता है और इसी को एज अ बेंचमार्क यूज किया जाता है। जितने भी वर्ल्ड के अंदर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो लाइबोर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं बिल ऑफ लैंडिंग इज इश्यूड बाय। सो बिल ऑफ लैंडिंग क्या होती है? सो देखिए बिल ऑफ लैंडिंग जो होती है ये बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं, सो बेसिकली जो आपकी शिपिंग कंपनी होती है वो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आपकी टाइप ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, डिलीवरी की डेस्टिनेशन ये सब लिखी होती है। सो बेसिकली वो उसी को बिल ऑफ लैंडिंग बोला जाता है। सो ये जो आपको प्रोवाइड करता है दैट इज शिपिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। शिपिंग कंपनी को एजेंट भी बोला जाता है। सो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए
सो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आईबी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली आईबी की जितनी भी थ्योरीज हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की जितनी भी थ्योरीज हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप हमें ओपिनियंस दे सकते हैं। नाउ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है तो आप वो भी हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।